राम राम भाई, सारे भैया ने। तो आज भाई चेस्ट का वर्कआउट करेंगे और अपने भैया थोड़ा तरीका समझाऊंगा चेस्ट के वर्कआउट का, क्योंकि मंदे क्या है कोई तरीके से तो नहीं करते भाई। मैंने तो करे हैं चेस्ट का वर्कआउट, है 6-7-8 वर्कआउट भी करेंगे, पर कोई एक सिस्टम ना है। तो तरीका ये रहेगा भाई, पहला अपर चेस्ट, फिर डिक्लाइन चेस्ट, फिर प्लेन बेंच। या प्लेन बेंच से स्टार्ट कर लो, डिक्लाइन कर लो, मतलब जो भी जिस तरीके से मैं करूँगा मैं आपको तो बताऊँगा भाई। जो भाई ठीक लगे फॉलो करियो, करके देखियो, क्योंकि पहले हम एक जगह टॉर्चर करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ना। पहला इनक्लाइन कर ली, फिर अगली अगला वर्कआउट कर लिया प्लेन, फिर दोबारा फिर इनक्लाइन, फिर डिक्लाइन, उससे थोड़ा सिस्टम सा खराब हो जाओ भाई सारा। और नीरज भाई आ जाएगा, 12 आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया छोरे ने, आती है लॉन्च होती है, वो भी दिखावाने भाई आते हैं। ले आए गया भाई फोन की था फोन खोज में दिखाइए, फोन से खर्चा कर दिया बहुत घना। कितना है फोन? बाकी भाई मैंने देखने दे पहले भी थरते देखा है, रतन ले है ना? रतन है डिटेन का, वो नो ले सुबह ले जिए भैया, मगर रतन होगा इतने और चट्टी बन गई थी जी ना करे यार। तो भाई एक और भी ना सोया फोन आए पीछे भी ना सोया फोन ना होए जब भी ना सोया दा होए मजा भी नहीं यार। एक नंबर ही कोशिश, 1.5 लाख रुपया तो लग गए पर आखिर काम हो गया तेरी। बाकी मेरा ना पाटता है 1.5 लाख रुपया का, जब फोन पुराना होगा जब दुखा होगा ना ना। तो भाई वीडियो भी सामने आ रही 14 प्रो मैक्स, इसमें देखो यार फीचर भी देख लो, फीचर एक देख कर भी दिखे जाए। अरे भीतर कैमरे में भी दे रखे जी, तो लोग नीला क्या कर रहे दूसरे फोन ना में स्पीकर होगा है उड़ स्क्रीन आ जाएगी। हाँ स्क्रीन ऊपर ये जरताला है। हाँ देख पहले ही उन्हें ताले ना लाने ताला ना, फिर मन दिखना पड़ेगा ना। अच्छा तो यो फीचर है और कैमरे में कई चीज दे रखी, धूप धाप ना दिखे। बस बस सही हो गया, भी चमक रहा करा भाई शूटिंग है, सही हो गया ना। नु ये ले आऊं मैं स्पीकर और लिया, तू माइक भी हट टंगने के आखिर काम जुड़ से ये दो चार दिन में कर दे हम लगी रेंज। चलो भाई चल वर्कआउट करांगे छाती में समझा देंगे। कई भाई हैं आडी बाडी कर दें जो उनकी समझा तो दिया, एक मारी गल भी है भाई आ जाएगा मेरा भाई तुझे अनुमान जाएगा देखा देख लिया। चलो ठीक है भाई चलना ऊपर, वार्म अप शुरू हो गया भाई। पहला हमने अच्छे से अपनी मसल वार्म अप करनी है और ये लाइट वेट के साथ पहला इंक्लाइन से शुरू करेंगे हम चेस्ट का वर्कआउट भाई लाइट वेट के साथ। धीरे धीरे हमने भाई वेट बढ़ाना है जिसा 5 kg 10 kg उस हिसाब से, और पोजीशन देख लो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी भाई चेस्ट की आज की। कोई भी वेट मारने की कभी लौट ना रहती, और जो भी पहला वर्कआउट आप कर रहा होगा प्लेन बेंच इनक्लाइन डिक्लाइन उसके मैं तुम्हारे यार वो 7-8 सेट आप देख लियो। फर्स्ट वर्कआउट में पूरी जान लगानी हो भाई 5-6 सेट 3-3 सेट। तो भाई सेकंड वर्कआउट अपर चेस्ट नमल फ्लाई आ जा, 3-3 4-4 सेट मारा है बस। अच्छा लगा गया हाँ। कंट्रोल का वेट तरीके से चला जा इतना मैं जिम दिखा दूं थोड़ी दिखा दे।
देख लो भाई घने बड़ा फ्लाई करते ना गलती करा करे, पोजीशन देख लो भाई की, चार पाँच सेट लेंगे डम्बल फ्लाई के इनक्लाइन पे, और उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट वो भी दिखावेंगे, पहला तीन वर्कआउट कराएंगे आज इनक्लाइन चेस्ट के, उस पाद से प्लेन प्लेट बेंच मारेंगे, उस पाद से डिक्लाइन बेंच मारेंगे, देखते रहियो। चला ये भाई तीसरा वर्कआउट जो कि अपर चेस्ट थी और सही तरीका ऊपर होल्ड करके बढ़िया तरीके से फील कराएंगे पंप में। अपर चेस्ट की एक्सरसाइज है ना यार, अपर चेस्ट के लिए भैया ये अभी तीन चार सेट ये मारेंगे फ्लैट बेंच, उसकी वाइट ग्रिप लेवांगे नॉर्मल, तो वाइट ग्रिप थोड़ी सी और कंट्रोल का वेट नॉर्मल सा, और तीन चार सेट उसके। चलो भाई ये फ्लैट बेंच दिखावांगे, तो भाई 12-15 रैप मारियो सही तरिया मसल फील करके, अपना पंप फील करके उस तरीके से वर्कआउट करियो, पागल ही तरिया मत करियो। इसकी प्रॉपर पोजीशन देख लो भाई, भाई लास्ट में दो वर्कआउट कराएंगे लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन के वर्कआउट करवाएंगे, पहला हमने करी अपर चेस्ट फिर फ्लैट मारा, ये मारेंगे दो वर्कआउट लोअर चेस्ट के लिए, और अगली बार जब मैं करूँगा तो पहला डिक्लाइन की मारूँगा या फिर फ्लैट से शुरू करूँगा फिर डिक्लाइन और फिर लास्ट में इनक्लाइन, इस तरह का मेरा शेड्यूल रहा करे, देखते रहियो तुम भी सीखते रहियो। योर आज का अपना लास्ट वर्कआउट जो लोअर चेस्ट का है, इसके बाद कराएंगे हम पोजिंग, सारे भाई कमेंट करके बताएंगे भाई वर्कआउट तो फिर से बनाते होंगे, और जिन नहाते होंगे सीखी नई चीज़ देखी तो बढ़िया बताइयो, गलत लगे तो गलत बताइयो, पर पोजिंग कराएंगे उसमें बताइयो किस आगे रिजल्ट है। आज 13 दिन हो गए हमने, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करे मीठा छोड़ा 13 दिन तक, और रिजल्ट देखते रहिए। चलो भाई चलो पोजिंग।
पोजिंग करांगे चल। बढ़िया टूट रहा है शरीर, पोजिंग कराएंगे। डॉक्टर चल पोजिंग, डॉक्टर भी करा पोजिंग। ना 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 मैं नहीं, भाई की देखते हैं। डॉक्टर की पोजिंग देखते हैं। चलो ओवरऑल चेस्ट मसल डेवलप करने की ये वर्कआउट करने पड़ेंगे। एक दिन इनक्लाइन फोकस कर लेंगे, एक दिन डिक्लाइन फोकस कर लेंगे, और जिस दिन इनक्लाइन फर्स्ट कराएंगे उसमें बाद में डिक्लाइन करेंगे। इस तरीके से हम अपना वर्कआउट करते रहेंगे। बाकी की थोड़ी बहुत नॉलेज से ही कराएंगे, और आगे नॉलेज की बात करेंगे थोड़ी सी। दो एक मिनट देखते रहिए भाई, अरे थोड़े सब्सक्राइबर आने भी बड़ दबा दो भाई, अंगा लाओ सारे भाई, जल्दी दसो के करवा दो। तो भाई आज का पूरा वर्कआउट दिखाया अपने भाई याद है, अच्छे पांच जो भी मैंने वर्कआउट करे चेस्ट के, इनक्लाइन चेस्ट को टारगेट करा था आज तो, और उसके बाद कार्डियो भी थी वो मैं दिखा नहीं पाया। तो ये वर्कआउट रहेगा, और इसमें रेपिटेशन कम से कम 12-15 रेपिटेशन तो लगाने ही लगाने हमने लास्ट सेट तक भी। और मेन बात फिर रहेगी हमारी डाइट की। तो ये लोग अडंग पडंग दिखाते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा भाई, कि मैगी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये सब बकवास चीज़ें हैं। जो अच्छा खाना है सबको पता है अच्छा खाना क्या है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब्स हो, हल्का फैट हो, वही प्रॉपर मील होती है और वही हमें लेनी है एक तरीके से। तो सारे भाई ढंग से प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, खाना भी अच्छा खाओ। श्योर है भाई आपकी बॉडी डेली चेंज होती रहेगी, कुछ दिनों के बाद साफ दिखने लगेगी। तो जुड़े रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताते रहा करो वीडियो कैसी के लग रहे भैया ने। राम राम भैया।